right felicitation and the first thing is felicitate Munawar Zama. Forty days of non-stop program with three shifts every day is not a matter of joke. ये प्रोग्राम सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है जो अल्लाह ने अपनी कुदरत का करिश्मा मुनव्वर साहब के जरिए से हम लोगों को दिखाया। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये सिर्फ अल्लाह का फजल करम है। बहरहाल एक प्रोग्राम में दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर आए थे और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, उन दोनों के मुंह से निकला कि वाकई मुनव्वर साहब आप जादूगर हैं। तो हमने भी देखा कि वाकई कहते हैं कि वाइन्ना मिनल बयान लसहरा, बयान के अंदर आदमी के काम और इसके अंदर सहर होता है, जादू होता है। ये अल्लाह का खास फजल करम है कि अल्लाह ने ये प्रोग्राम पूरा कराया। आपकी सबसे बड़ी खूबी जो मैंने खुद कई प्रोग्रामों में अटेंड करके देखा कि आप सब कुछ करते हैं, करा लेते हैं, लेकिन हंसी हंसी, कभी सीरियस होते हुए मैंने नहीं देखा। आप तो हंसते रहते हैं, ट्रेन कराते रहते हैं, लेकिन मैं जितनी मर्तबा यहां आया हूं मैं वहां से रोके गया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ बगैर रोए। आज भी दोपहर में बच्चियां प्रैक्टिस कर रही थी, मैं वहां बैठकर रो रहा था। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, तो इसलिए मैं बच्चों से ये कहूंगा और बच्चियों से खासकर कि ये मुनव्वर साहब का प्रोग्राम आखिरी नहीं है। आप में से हर एक को मुनव्वर साहब बनना है। बन पाओगे इसको करने के लिए? हाथ उठा के बताओ। अगर ऐसा है तो हमारा ये प्रोग्राम कामयाब हो गया, और नहीं है तो 40 दिन बर्बाद हो गए। करोगे इंशाल्लाह सब लोग? इस प्रैक्टिस को जारी रखोगे? नो मैटर कौन स्टेज पे आया, किसने परफॉर्म किया नहीं किया, लेकिन आप लोग वहां से बैठ के तालियां बजा रहे थे, ये भी एक परफॉर्मेंस है। किसी करने वाले की हिम्मत अफजाई करना। आज किसी भी अच्छे काम करने वाले की हिम्मत अफजाई करने वाले नहीं मिलते। बहरहाल हमारी पूरी टीम को लेकर 24 तारीख से हम लोग हैदराबाद के टूर पे जा रहे हैं, ताकि वहां से और बहुत कुछ सीखने का मौका मिले और उसको आसाम में लेके आए। मुनव्वर जमा साहब, डॉक्टर कदीर साहब, रफीक साहब, महफूज भाई, सबसे मेरा दस्तबरदार गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को हमको इंशाल्लाह चालू रखना है, और जब तक के आसाम के कोने कोने में इस प्रोग्राम को हम नहीं पहुंचाएंगे हमें आराम से नहीं बैठना है इंशाल्लाह। मैं इस काम में कुर्बानी देने के लिए खसरुल भाई, जनरल मैनेजर साहब, डॉक्टर आजाद साहब, कर्नल साहब और उनके तमाम साथियों को मैं आज के इस मौके पर, खुशी के मौके पर तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। आसाम के हमारे हुजाई के उन शख्सियतों का जिन्होंने टाइम टू टाइम आके हमारे इस प्रोजेक्ट के लोगों की हिम्मत अफजाई की, हिम्मत बढ़ाया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपने तहे दिल से मुनव्वर साहब की वालदा, जिनको हमने खाला कहा, उनको मुबारकबाद देता हूं कि मुबारक है वो मां जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और मां की हर बच्चे को अपनी मां की कदर की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबाद देता हूं, मुनव्वर साहब ने कई मर्तबा जिक्र किया अपने उस्ताद का, अल हम्मादी साहब, पूरा नाम
हम्माद अहमद अलवी अरब है, ये तो सऊदी अरब का नाम है। मैं बार बार ये समझता रहा कहीं आपने सऊदी से सीखा जाके। माशाल्लाह माशाल्लाह, जाएंगे तो मुलाकात होगी, हैदराबाद में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको भी बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक लायक शागिर्द पैदा किया कि जिसकी रोशनी इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्द पूरे दुनिया के हर कोने में उनके इल्म की लगाई हुई रोशनी पहुंचेगी इंशाल्लाह। दरख्त जो उन्होंने लगाया उसका फल वहां तक पहुंचेगा। बहरहाल ये आखिरी मुलाकात नहीं है, अल्लाह ना करे आखिरी मुलाकात हो, ये मुलाकातों का नया सिलसिला है जो अब शुरू हुआ है। अल्लाह ताला इसको बाकी रखे, अल्लाह इसको कबूल फरमाए, आने वालों को अल्लाह जजाए खैर दे इन बच्चियों की उम्र में, अल्लाह इनको दुनिया आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, कामयाबी अता फरमाए इन बच्चों को, बच्चियों को, टीचरों को। हाँ भाई, टीचरों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, जितने पूरे आसाम से टीचर आगे जा रहे हैं, अगर इस नाव को आपको आगे नहीं ले जा सकते तो ये बड़ी हमारी नाकामी होगी। मुनव्वर साहब को आप कोई इनाम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, आपकी तरफ से मुनव्वर साहब को यही इनाम है कि हम इनके इस कोशिश को, इस मेहनत को आगे बढ़ाएं, गांव गांव गली गली में अपने इलाके में इस रोशनी को पहुंचाएं। अल्लाह आप लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए और मुनव्वर साहब को मैं फिर एक मरतबा और उनके पूरे टीम को मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात भी यहीं ख़त्म करता हूँ। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।